गाइस, मेरी प्यारी सी मॉम मुझे रूम सर्विस दे रही है। आप पेरेंट्स आर सच अ ब्लेसिंग, अगर नहीं होता ना लाइफ में हम क्या करते हैं मुझे नहीं पता। ये देखो मेरी मम्मा मुझे ये तोड़ के दे रही है। हेलो हेलो, सो इट्स द नेक्स्ट वीक। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया कि कैसे मेरा ये जो फ्रैक्चर 3 साल पहले हो गया था उसका इम्प्लांट रिमूवल सर्जरी एंड ऑल जो हमने बेसिकली किया था उसको मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर रही हूँ। सो दिस इज़ जस्ट लाइक अ क्विक प्रीव्यू ऑफ कि आपको लास्ट वीकली व्लॉग में क्या देखने मिला था। दिस इज़ नेक्स्ट डे आफ्टर द प्रीवियस व्लॉग। आई थिंक प्रीवियस व्लॉग मैंने 6 या 7 अगस्त को एंड किया और यहाँ पर मेरा हाथ फिर से सूज गया है। मैं जैसे ही ये छोटी छोटी एक्सरसाइज बंद कर देती हूँ, हाथ को ऊपर करना बंद कर देती हूँ, मुझे बहुत जल्दी स्वेलिंग आ जाती है। दिस इज़ माई लाइफ राइट नाउ। मैं ये खा रही हूँ योगर्ट जो मैंने पूरा ख़त्म कर दिया और मैं सिर्फ बैठ के टीवी देखती रहती हूँ। दिस 10th अगस्त आई थिंक, और तब तक ना मेरी पट्टी वट्टी पूरी खुल गई थी, मेरी हालत एकदम ख़राब हो गई थी तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। और क्योंकि हम घर से निकले ही थे तो मैंने बोला चलो हेयर वॉश भी करवा लेते हैं क्योंकि मेरा बाल बहुत टाइम से बहुत गंदा हो गया। मतलब एक दिन पहले मैंने वॉश किया था 3rd को, सो इट्स बीन ऑलमोस्ट लाइक 7 डेज़। तो मैंने अपना हेयर वॉश करवाया। मेरी हालत देखो कितनी ख़राब है, मुझे ना गले में भी कुछ हो गया है जिसकी वजह से मुझे ENT के पास जाने को बोला है ऑर्थो ने। सो टुमारो और समथिंग वी आर गोना गो टू एन ENT। ओह माय गॉड गाइस, आई जस्ट वॉश्ड माय फेस और मुझे इतना अच्छा लग रहा है। आई थिंक दिस इज द 2nd or 3rd time दैट आई वॉश्ड माय फेस इन लास्ट 8 days, 2nd time। सो उस दिन डॉक्टर ने मेरी सारी पट्टी शट्टी निकाल दी थी लेकिन ये एक बेसिक टेम्प्रेरी कास्ट रखा था जो फिर से घर में लूज हो गया, तो 2 दिन के बाद हमको इसको फिर से टाइट करना पड़ा और अब ये उसके बाद रेगुलर काम हो गया। फिर मुझे ये अपनी जो नेल पेंट है वो इतनी गंदी लग रही थी, बट ये जेल नेल पेंट है, मैं इसको निकाल नहीं पा रही हूँ। इट इज़ एक्चुअली वेरी फ्रेश, तो मैंने सोचा चलो इसको घर में ही हम रिपेयर कर लेते हैं और उसके ऊपर ही मैं एक बेज कलर लगा रही हूँ। एंड एज यू कैन सी मेरे पैर, जब से मैं थाईलैंड से वापस आई हूँ मार्च में, नीचे का हिस्सा उतना ही टैन हो गया है बिकॉज वो जो मैं पानी में कूदी थी उसको भी मुझे ठीक करना था। मैंने आपसे इंस्टाग्राम पे एक्चुअली पूछा था कि उसको मैं कैसे ठीक करूँ। दिस इज़ मी द नेक्स्ट डे विद अ फ्रेश फेस वॉश, जो फेस वॉश करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अब। तो अब मैं डेली फेस वॉश कर रही हूँ, ब्रश कर रही हूँ, आई एम गेटिंग बैक टू माई एटलीस्ट बेसिक स्टफ़, लाइक अल्ट्रा बेसिक स्टफ़। यू नो, जब तक कुछ बड़ा नहीं हो जाता है ना तब तक हमें रियलाइज़ नहीं होता है कि छोटी छोटी चीज़ें में कितनी मेहनत और कितना मज़ा है। तो दैट नाइट माई सिस्टर केम होम, मैंने उसको बोला प्लीज़ मेरे पैर पर कुछ कर, तो उसने डी टैन ब्लीच समथिंग कुछ लगाया है जिससे थोड़ा बहुत कुछ असर हुआ है। एक बुरी चीज़ जो मेरे साथ हो रही है वो ये है कि मैं अब भी सोके उठी हूँ, लाइक इट्स लाइक गुड मॉर्निंग फॉर मी, बट रात के 8 बज रहे हैं। सो आई हैव एनी वी इज नॉट बीन अ गुड स्लीपर, लाइक रात में मुझे जल्दी नींद नहीं आती है। बट ये भी बहुत उल्टी गलत बात है कि मैं रात को 10 सुबह 10 बजे या 11-12 बजे मुझे नींद आ रही है आजकल, और कल तक तो मैं फिर भी 6 बजे उठ जा रही थी बट आज मैं 8 बजे उठी हूँ। सो आई एम ट्राइंग टू गेट इट प्रॉपर और ये उल्टा ही होता जा रहा है। गाइज, मेरी प्यारी सी मॉम मुझे रूम सर्विस दे रही है वाइल आई एम सिटिंग हियर फिनिशिंग ऑफ ऑल द सीरीज, वॉचिंग री वॉचिंग देम अगेन, और इतने फास्ट मैं इसको ख़त्म कर रही हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप पेरेंट्स आर सच अ ब्लेसिंग, अगर नहीं होता ना लाइफ में हम क्या करते हैं मुझे नहीं पता। ये देखो मेरी मम्मा मुझे ये तोड़ के दे रही है। मुझे पाव खाना बहुत पसंद है तो वो मुझे निवाले बना के दे रही है छोटे बच्चे की तरह। गुड मॉर्निंग, 6 बज रहे हैं, मेरी मॉर्निंग अब हुई है, बट आज मैं थोड़ी सी हैप्पी हूँ। 15th अगस्त है और हम लोग जा रहे हैं क्रोमा टू स्टार्ट विद, उसके बाद देखते हैं। मैं हैप्पी इसीलिए हूँ क्योंकि दिस इज़ द 2nd time, ओनली 2nd time आफ्टर 15th March कि मैं घर से बाहर निकल रही हूँ टू डू सम फन एक्टिविटी एंड नॉट टू गो टू अ डॉक्टर बेसिकली। तो इससे पहले मैं सिर्फ डेला गई थी जो मैंने अभी अपलोड किया है शायद यूट्यूब पे, और अब जा रही हूँ। मार्च 15-20 मार्च से मैं बेड रेस्ट पे थी,
बेड रेस्ट पे, और अब मैं निकल रही हूँ घर से बाहर। आज 15 अगस्त है, 15 to 15 5 महीने एग्जैक्ट 5 महीने बाद। आई कैन नॉट बिलीव इट बिकॉज आई एम समवन जो हफ्ते में 3 दिन बाहर जाने की जिसको आदत है, हफ्ते में, एक हफ्ते में अगर 2 से 3 बार हम बाहर नहीं जाते थे तो हम पागल हो जाते थे। आई डोंट नो हाउ आई सर्वाइव दिस, आई एब्सोल्युटली हैव नो आइडिया। रेडी, सबसे पहले हेयर वॉश कराए गए, बाल बहुत गंदे हो गए, और मैंने स्प्रे सनस्क्रीन मारी है विच इज़ सच अ ब्लेसिंग इन माई सिचुएशन राइट नाउ, एंड आई एम यूजिंग दिस लिप ऑयल फ्रॉम रास, लिक्विड लिप बाम फ्रॉम रास, जो ऐसा दिखता है फेस पे, लुक्स लाइक अ प्रॉपर लिपस्टिक। थोड़ा सा अजीब सा स्मेल है बट थोड़ा टाइम के बाद ठीक हो जाता है। हाय शैन, अभी कल से मेरे हाथ पे ये कुछ नया स्टार्ट हुआ है जहाँ पर माय स्किन इज़ पीलिंग ऑफ, अल्ट्रा ड्राई हो गया है। मैं क्रीम लगा रही हूँ बट फिर भी ऐसे बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया और ऐसे स्किन निकल रही है। लास्ट हेयर वॉश 10 तारीख को कराया था, आज 15 तारीख है, एंड माय डैड इज़ लाइक कितनी बार बाल धुलाना है, एंड आई एम लुकिंग एट हिम लाइक ओके। फिर एज यूजुअल बाहर निकले तो खाना तो खाना ही है, तो मोहसिन वॉज लाइक चलो चलते हैं, और ये देखो ये पूरी पलटन निकली थी बाहर, दैट्स माई यंगर नेफ्यू, और मेरे बाजू में शयान बैठा है जो इसका बड़ा भाई है। माई सिस्टर वॉज एक्चुअली शाउटिंग एट मी कि तू क्या पहन के निकली है, तेरी शक्ल देख, एंड आई एम लाइक मैं क्या करूँ, इससे ज़्यादा क्या करूँ। जस्ट केम बैक होम, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, आवाज़ भी नहीं निकल रही है मुँह से। पट्टी फिर से निकल गई, मॉम को फिर से करनी पड़ रही है। मेरी बिल्डिंग के नीचे ना इडली शिडली अच्छा खासा मिलता है, डोसा एंड ऑल, तो मैं वो लेने के लिए निकली हूँ। दिल्ली से वापस आई थी 16 मार्च को और आज है 17 अगस्त, और आज मैं आफ्टर दैट पहली बार अकेली बाहर निकली हूँ, पहली बार।